सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट एड मिल चुकी है यंगो पे। उन्होंने कहा कि आप पहले पेंट वगैरह क्लियर करवाएं तो देन आप जो है ना उन्होंने कोऑर्डिनेट कर ले फिर इंशाल्लाह बना जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह। गाइस वही हुआ जिसका डर था, हमें मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग ऑफ हेल्पिंग रैंडम पीपल इन 30 डेज ऑफ रमजान। तो आज हमारा डे 13 या 14 है मुझे नहीं याद, तो लेकिन फिर भी जो है मैं निकल आया हूँ। टाइम इस वक्त हो रहा है जी 1 का, और जो है आज मैं थोड़ा लेट निकला हूँ क्योंकि मेरी आंख नहीं खुल रही थी। कल भी मैं सारी रात वीडियो बनाता रहा हूँ और जो है एडिटिंग करता रहा हूँ, तो जो है ना बड़ी मुश्किल से आंख खुली है। खैर मैंने गाड़ी को जो है गर्म होने के लिए स्टार्ट कर दिया, और जो आज मौसम बहुत प्यारा है, बादल चेक करें तो मुझे लग रहा है कि अभी हमारे रास्ते में जाते जाते बारिश हो जाएगी। मेरा तो प्लान ये था कि आज जो है गाड़ी को वॉश करवाएंगे, लेकिन जो है ना बारिश का मौसम है तो अभी जो है इसको वॉश करवाना ठीक नहीं है। तो खैर एनीवेज बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं पेट्रोल पंप पे, मिलते हैं आपसे वहाँ पे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है फ्यूल वगैरह डलवा लिया, लेकिन अभी जो है टाइम हो रहा है नमाज जोहर का, जाके पढ़ेंगे नमाज और जो है उसके बाद अपने सफर का करेंगे इंशाल्लाह आगाज। तो आज भी जो है सबसे पहले जाएंगे हम पार्क व्हील्स, उससे पहले हम देख लेंगे कि हमें गुलबर्ग की कोई राइड मिल जाए तो वो बेटर है, नहीं तो आज भी हमने जाना ही जाना है। क्योंकि उस दिन वो भाई ने कहा था कि मंडे को आप आ जाना, लेकिन मैं मंडे को यानी कि कल तो नहीं जा सका, तो आज ट्राई करेंगे पार्क व्हील्स जाके और देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तो खैर एनीवेज नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है नमाज जोहर भी पढ़ ली है और जो है अभी मैं रवा दमा हूँ पार्क व्हील्स की तरफ, राइड्स देखते हैं। अगर हमें कोई राइड मिलती है उधर की तो वेल एंड गुड है, नहीं भी मिलती तो जाना ही है। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या यार इसने पिछले 2-3 व्लॉग्स में एक ही रटा डाली हुई है पार्क व्हील्स। यार देखो अगर आपका भाई एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वहाँ पे जो वीडियो बनाएगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा क्या? तो बस मैं यार ये चाह रहा हूँ कि जो है ना मैं दे सकूँ अपना ऑनर रिव्यू, क्योंकि मैं पार्क व्हील्स का पर्सनली फैन भी हूँ बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि वहाँ पे जाके गाड़ी का ऑनर रिव्यू देना ही देना है, तो आज भी ट्राई करेंगे। उस दिन भाई ने कहा था कि आप मंडे को आना, तो हम मंडे को नहीं जा पाए, तो आज जाके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा तो गाइस अभी पिछली क्लिप जो है आपने मेरी देखी है विदाउट कैप, तो ये चीज आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है कि मैं विद कैप वीडियो बनाया करूँ या विदाउट कैप। व्हाट कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि मैं जो है ना कैप पहना करूँ या ना पहना करूँ। यार गाइस क्या मौसम है यार, अखीर का लिटरली बहुत प्यारा मौसम है। और जो है मेरे राइट में इस टाइम जो है ATS वोल्टन स्कूल है हमारा, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है हमारा वोल्टन का, ये रहा काफी बड़ा ये जो है ना स्कूल है। और जो हमारे लेफ्ट साइड पे जगह आती है ये इस तरफ है जी हमारा एक छोटा सा बिल्कुल एयरपोर्ट। अगर तो आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ना एक छोटे 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 से जहाज उड़ रहे होते हैं हवा में, जो कि लाहौर की मैंने सुना है कि सैर भी करवाते हैं कुछ पैसों में। तो हमारे लेफ्ट साइड पे वो स्मॉल एयरपोर्ट है, यहाँ पे वो जो है वो जहाज फ्लाई करते हैं। ये वॉल्टन का पता नहीं क्या ओल्ड एयरपोर्ट भी ये जगह कहलाती है, तो मैंने कहा आपको विजिट करवा दे। और हमारा आज भी जी वही टाइम हो रहा है उस दिन वाला, तो अभी जी हमारा प्रोटोकॉल भी आने वाला है यानी कि ट्रेन। तो अगर तो ट्रेन आती है तो मैं आपको अपना यानी कि प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने उन्हें मना किया था कि जो है ना ना ना, ना आज, लेकिन करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब, वो कह रहे थे नहीं सर हमने आपके साथ प्रोटोकॉल देना ही देना है, तो देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं। अच्छा गाइस आई थिंक इन ड्राइव जो है वो सिर्फ किलोमीटर्स में देखती है कि जी ये किलोमीटर्स में राइड कितनी बन रही है, तो फिर उस हिसाब से जो है कस्टमर को फेयर सजेस्ट करती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वोल्टन वाली साइड है, यहाँ से मैंने राइड होना है और वो आगे जाके, तो इस टाइम वोल्टन जो है तबाह और बर्बाद हुआ पड़ा है। वोल्टन का इस टाइम कोई हाल नहीं है, और जो है उधर जाके बंदे ने राइड अगर कैवलरी ग्राउंड की तरफ से भी लेके जाएगा तो वहां पे भी वो फंस जाएगा, यानी कि पूरा रास्ता एंड तक टूटा हुआ है। वहां से आगे से जाके थोड़ा सा ठीक है, और जो है अगर पीछे पैकेजिंग मॉल की तरफ आएगा रास्ता बंद है उसको गाजी रोड से टर्न लेके, तो बड़ा लंबा चक्कर काट के इसरे जाना पड़ेगा। तो इन दोनों जो है ना सिचुएशंस में ड्राइवर की ही ख्वारी है, और जो है कस्टमर का फेयर देखो इसमें जी 523 रुपए 10 किलोमीटर की राइड, मिनी की राइड है ये, और ऊपर जो है ना कस्टमर करते ही ज्यादा हैं। आई थिंक सो उसने जो है मिनी की भी प्राइस कम की हुई है,
तो ये इन ड्राइव करता है, इन ड्राइव को ये चीज को आई थिंक ख्याल करना चाहिए कि जहां से कस्टमर को पिक करने जाना है कि क्या वो मैप में लोकेशन सही आ रही है, क्योंकि मैप में यहाँ पे अगर अभी आप ओपन करेंगे ये पैकेजेस मॉल वाले वोल्टन रोड को तो वो सारा रेड नजर आएगा आपको। उसकी वजह ये है कि वो सारा टूटा हुआ है, काफी टाइम हो गया वो बन नहीं रहा। तो अच्छा हमको सिखा रही है, इसी चीज को बस जो है ना इन ड्राइव को नजर रखना चाहिए। तो खैर हम जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। आपको मैंने कहा था ना कि हमें ट्रेन ने प्रोटोकॉल देने आना, यार ये देखो ये देखो यार, बाज नहीं आया यार, मुझे क्या जरूरत थी यार। चुप, बिल्कुल चुप। यार कहते ही हो गया, क्या कच्चे मार रहा हूँ यार, मैं तो क्या करूँ, टाइम भी तो पास करना है ना आप लोगों के साथ। तो बस अभी मैं पहुँचने वाला हूँ लिबर्टी में, और जो है दुआ, यार मैं फिर आप लोगों को कह देता हूँ कि दुआ करना, आप लोग कैसे ही दुआ कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं ही करता हूँ। या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह आज का दिन अच्छा गुजर जाए, आज एक्सेप्ट हो जाए हमारा इंटरव्यू। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लिप में इंशाल्लाह। अच्छा अभी इधर ही मैं खड़ा हूँ, तो आप लोगों से माजरत ये करनी थी, शायद कोई न्यू यूजर हो और वो कह रहा हो कि जी मैंने तो इनकी इन ड्राइव की वीडियो देखने के लिए जो है वीडियो चलाई है, और ये जो है बीच में पार्क व्हील्स हो रही है, जो है ना अपनी बातें करी जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, ये देख लें मैंने इन ड्राइव को ऑन किया हुआ है, तो उसमें मुझे कोई राइड नहीं मिल रही। राइड अगर उस साइड की कोई मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ पार्क व्हील से फ्री होके तो हमें कहीं की भी राइड मिलेगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा वहाँ पे थोड़ा टाइम से जाना जरूरी है, इसलिए मैंने वेट नहीं किया राइड के लिए, पहले वहाँ जाएंगे और आपको जो है ना इंशाल्लाह राइड के बाद बताएंगे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पार्क व्हील के ऑफिस में मैं पहुँचने लगा और वो मुझे भाई से किसी से बात करके आपको इंशाल्लाह बता देंगे क्या होगा। तो गाइस वही हुआ जिसका डर था, हमें मिल चुकी है रिजेक्शन। अभी रिजेक्शन का उनका कोई इशू नहीं है, मेरी अपनी ही गलती है। उसकी वजह यह है कि ये फ्रंट देखो, गाड़ी का फ्रंट जो काफ़ी रफ हुआ पड़ा है, ये बम्पर वाली, ये बम्पर चेक करें, और जो है माइनर काफ़ी गलतियां हैं, ये आपको शेयर नज़र आ रहा होगा। तो पेंट में जो है काफ़ी कुछ जो है ना गलतियाँ हैं, तो वो कह रहे कि हमने लोगों को एक पॉजिटिव दिखाना होता है कि गाड़ी कितनी अच्छी हालत में किसी यंगस्टर ने रखी हुई है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरा मैंने इसको वॉश भी नहीं करवाया आते हुए, वॉश का मैंने रीज़न बताया था कि आप ये मौसम देख सकते हैं कि इस टाइम बारिश का मौसम है, तो वॉश करवाना फजूल था। तो आप लोगों को भी पता है कि हमारा काम कैसा है, हमने सड़क को भी निकलना है, तो अभी 500 में ज़ाया करके तो वो फ़ायदा नहीं था। अभी जो है उन्होंने कहा कि अगर आप रिपेंट वगैरह कर लेंगे तो आप भले आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। तो उससे पहले जो है ना इस कंडीशन की गाड़ी में आपके लिए चांसेस नहीं है, तो मैंने कहा चले ठीक है क्या कर सकते हैं। तो ईद के बाद देखेंगे कि अगर कोई सीन बना इसका कोई पेंट शेंट करवाने का तो वो करवा लेंगे, नहीं तो फिर गुजारा ही करना है। एनीवे मिलते हैं अभी आपको किसी राइड के साथ, बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं कि हमें कोई राइड मिलती है या नहीं मिलती। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट राइड मिल चुकी है यांगो पे, ये इधर क्या कहते हैं कलमजो के पास एक सिटी ऑफ साइंसेस कुछ करके नाम कॉली जाई थी। तो कस्टमर की मेरी कॉल पे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे खड़े हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन मुझे शो नहीं हुई, और देखते हैं इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन क्या है और कितना फेयर बना, आपको उनको ड्रॉप करने के बाद इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी गाड़ी स्टॉक है, उसके पेंट में भी थोड़ा सा ना कोई इशू आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप पहले पेंट वगैरह क्लियर करवाएं तो देन आप जो है ना कोऑर्डिनेट कर लें फिर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो हमारी सुनील सर से मुलाकात हो गई फाइनली, तो अभी चलते हैं जी, वो राइड जो हमारी उतारी थी वो वहीं पे हमारा वेट कर रहे हैं। सो गाइस राइड को हमने उतार दिया, और जो अभी आपने एक छोटी सी क्लिप भी देखी होगी कि जो है मैं सुनील सर से मिल ली है, बहुत अच्छे हैं, नाइस पर्सन है, तो जैसे ही उनको वीडियो में पाया वैसे ही वो रियल में भी हैं, तो उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनसे होगी। तो खैर राइड को उतारा, उनका जो फेयर था 1 किलोमीटर की ये तकरीबन राइड थी, और उनका 160 बना था, उनके पास 10 रुपये चेंज नहीं थे, मैंने कहा 150 दे दें, क्योंकि उनको मैंने वेट भी करवाया था, मैं वीडियो बनाने चला गया था। तो खैर एनीवेज लेते हैं अगली राइड और मिलते हैं आपको अगली राइड के साथ इंशाल्लाह। ये देखें गाइस मैं कल बता रहा था ना कि बुलान भी चलता है इस काम में, तो ये देखें अभी वो सवारियां ज्यादा हैं, और उन्होंने जो लिखा हुआ है कि हमें चंगान या एवरी डब्बा यहाँ पे बुलान भी वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आई नो कि उनके पास सवारियां ज्यादा होंगी। और देखें
9 किलोमीटर का फेयर ये जो 677 दे रहे हैं, यहाँ पे आप इनको 900 भी बोलेगा ना चंगान कैरी डब्बे या बुलान वाला तो ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए बड़ी गाड़ी। तो हाँ आप जरूर चला सकते हैं बड़ी जो कैरी डब्बा वगैरह, कोई इशू नहीं है, ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी। सो गाइस, पाकिस्तान में लोग जो है ये देखें, पाकिस्तान में लोग जो है फलस्तीन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की कौम इतनी कोई जाहिल और भूखी है और जो है अपना ईमान बेच के बैठ गए हैं कि जो है ये पूरा रोड लिबर्टी का इस पे KFC की बोर्डिंग चल रही है, KFC के एड चल रहे हैं। क्या तुम लोगों में इंसानियत मर गई है? क्या थोड़े से पैसों के लिए आप लोग जो है हमारे जो काफिर ममालिक हैं उन्होंने भी जो है इंसानियत की खातिर जो है इन चीजों का बायकॉट किया है, उधर ये चीजें नजर नहीं आती। लेकिन जो है आप लोग पाकिस्तान में रहकर मुसलमान होकर एक मुसलमान का दर्द नहीं समझ रहे, KFC को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे बड़े इलाके में, यहाँ पे एड्स चल रहे हैं, जहाँ जाओ बड़े बड़े उनके जी बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, और जो है थोड़े से पैसों की खातिर बिक जाते हो, अपना ईमान बेच दिया आप लोगों ने, तो ये चीज ना किया करे, आप लोगों को पता है काफिर ममालिक ने जब जो है बायकॉट कर दिया तो आप लोग जो है फिर इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते। तो खैर एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लिप में इंशाल्लाह। वो भाई जा रहे हैं, वो जा रहा है, उसके पास टोपियां हैं, तो वो जो है मेरे पास आए हैं और जो है आके मुझे कहने लगे कि 10-20 रुपए दे दो, मांगने लग गए हैं। तो उनको मैंने समझाया कि आपके पास एक चीज है, आप सेल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप साथ में भीख क्यों मांग रहे हो? तो आपके पास एक चीज है, मेहनत करो इसको बेचने की। जिन लोगों ने नहीं खरीदना होता वो अपनी खुशी से भी पैसे दे देते हैं। तो हमेशा ऐसा किया करें, अगर कोई चीज कोई बेच रहा है तो उससे वो चीज खरीदे, तो उनको भीख मांगने की ऐसे ही आदत पड़ जाती है। हालांकि उसके पास अच्छी भली एक चीज है, वो बेच सकता है, लेकिन नहीं, उसने जो है वही काम किया, मांगने लग गया। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि मुझसे ये खरीद ले, उसने कहा मुझे 10-20 रुपए दे दे। तो इस चीजों का आप लोग खुद ख्याल किया करें कि इनको भीख ना दिया करें, इनके पास जो चीज है वो खरीदा करें, ताकि इनको जो है पता चले कि ये जो बेच रहे हैं वो बिक रहा है, तो ये मजीद और स्टॉक करेंगे। तो खैर मिलता हूँ आपसे आगे किसी अगली क्लिप में। राइड तो अभी कोई नहीं आ रही है, देख लें आप, बिल्कुल जीरो राइड्स पड़ी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो गाइज अभी राइड तो नहीं आ रही है, मेरे साथ एक आके जो है आल्टो ओल्ड मॉडल पाकिस्तानी खड़ी हो गई है गाड़ी। तो अभी मेरी भाई से बात हुई है, मैंने कहा कैसा काम जा रहा है, तो वो बता रहे थे कि काम तो अच्छा नहीं है रमजान में। तो एप्स मैंने उनसे पूछी तो कहते हैं मैंने एक क्रीम रखी हुई है और एक जो है इन ड्राइव है। तो मैं उनकी गाड़ी देख के शौक हो गया कि उनके पास आल्टो है पुराना मॉडल। मैंने आपको कल वाली वीडियो में मना किया था कि ये नहीं लेना, तो मैंने कहा ये भाई कैसे चला रहे हैं, क्योंकि इसकी एवरेज अच्छी नहीं है। तो भाई से पूछा, भाई ने जो है 660 cc ऑटोमेटिक इंजन रखवाया हुआ है, इस कंडीशन में ये गाड़ी बेस्ट है, छोटा इंजन इसमें रखवाया हुआ हो अगर तो आप इसको चला सकते हैं इन ड्राइव पे, जैसे ये भाई ने किया हुआ है। तो मुझे तकरीबन एक घंटा हुआ जा रहा है, आज राइड नहीं मिल रही, उस दिन लिबर्टी से मिल गई थी एक बड़ी अच्छी राइड और जो है थोड़े टाइम में मिल गई थी। तो आज देखते हैं कि हमें अभी वापस कोई उस तरफ की राइड मिलती है या नहीं मिलती। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी अगली राइड भी मिल गई है यंगो पर। ये जी इनकी पिकअप लोकेशन है, 900 मीटर इनकी पिकअप लोकेशन है, जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। इनको यहाँ से लिबर्टी से लेके जाना है मैंने जी DHA फेज 5, और जो है इनका 9 किलोमीटर की डेस्टिनेशन है, 1 किलोमीटर की पिकअप है और 9 किलोमीटर इनकी डेस्टिनेशन है। तो जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, देखते हैं क्या फेयर बनता है। इन ड्राइव पे यहाँ पे ना बहुत कम राइड्स थी, तो ये आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। चलते हैं करते हैं कस्टमर को पिक कर, इनको करते हैं ड्रॉप और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड उतार दिया मैंने यंगो की, और जो इनका फेयर बना था तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड थी, 450 रुपए फेयर बना, शापरों वाला फेयर आई नो, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो है मुझे भी राइड चाहिए थी घर की तरफ की, तो वो उठा लिया। और जो इस समय मैं बड़ी प्यारी सी एक जगह पे आ गया हूँ, यहाँ ऐसे इलाके मुझे बहुत पसंद है गाइस, ये जो है ना बड़ी शांति, बच्चे खेल रहे हैं उधर पार्क में और जो है पत्ते बिखरे हुए हैं, तो ये लोकेशंस मुझे बड़ी पसंद है। तो अभी एक ट्राई करते हैं कि एक और घर की राइड मिल जाए, तो फिर जो है घर की राइड लेते हैं और करते हैं किसी की हेल्प, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये जी मेरे अकब में आ चुका है इस टाइम DHA का ग्रेवयार्ड यानी के कब्रिस्तान, और जो ये बहुत बड़ा जो है कब्रिस्तान है, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं खुद भी, तो काफी ना फैला हुआ है ये।
तो बहुत आगे तक जा रहा है ये लाहौर डिफेंस DHA का जो है ग्रेवयार्ड है। तो और इधर की एक और जो बात है कि ये सारी जो कब्रें हैं ये ऑलमोस्ट पक्की हैं, बीच में ये जो बच्चों की कब्रें हैं ये बच्चों वाली कब्रें आ गई हैं, तो ये जो है कच्ची हैं और बड़ों की जितनी भी हैं वो सारी पक्की हैं आप देख सकते हैं। तो अभी जो है वापसी की मुझे कोई राइड नहीं मिल रही, तो जैसे ही कोई राइड मिलेगी वापसी की तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5 का और जो है मैंने गलती से एक ये वाली इंडाई पे राइड उठा ली, ये नजर आ रही होगी, मुझे लगा कि इसमें ना वहां से गाजी रोड जाना है तो मैंने जो है ना पिक कर ली, मैंने कहा चलो जा रहा हूँ रस्ते में इनको उतार दूंगा। तो जब मैं उधर लोकेशन पे पहुंचा तो जी मुझे पता चला कि ये वहां से बट्टा जो के पास आना है इन्होंने। तो अभी जिस दो से ढाई किलोमीटर की राइड थी, पर राइड 50 रुपीज मिले हैं इस राइड के ना, तो इनको अभी भट्टा चौक के पास उतारा है, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो अभी कोई राइड नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम काफ़ी कम रह गया, 5 बज चुके हैं। तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि इफ्तार के लिए कुछ सामान लेके किसी को दे देते हैं कि जो अपनी इफ्तार कर ले किसी ज़रूरतमंद को। तो अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है रस्ते में, जैसे कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है या कुछ भी होता है तो मैं आपको उसके साथ मिलता हूँ इंशाल्लाह। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटा सा इफ्तार पैकेज बनवा लिया है, इसमें जी पकोड़े और समोसा है और जो है नीचे एक प्लेट बिरयानी है। तो ये जी अभी किसी ज़रूरतमंद को जो है हम कर देंगे डोनेट और जो है फिर चलेंगे घर और जो है इंशाल्लाह आपसे घर जाके होगी मुलाकात। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो इफ्तार का जो थोड़ा सा सामान लिया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये देख लें कहीं ये ना समझे कि यार झूठ बोल रहे हो, कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने दे दिया है। अभी चलते हैं घर, हमारे भी इफ्तार का हो रहा है टाइम, चल के करते हैं इफ्तार और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इफ्तार के बाद। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका था घर और जो है मैंने इफ्तार वगैरह कर ली थी। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा गुजरा था, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।